सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 4। इन वन fortnight of a given month there was rainfall of 10 cm river valley. The area of the valley is 7 to 80 km square, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition of normal water of three rivers are each 1072 km long, 75 meter wide and 3 meter deep. उससे पहले रेनफॉल कितना हो रहा है? रेनफॉल इन रिवर वैली 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखेंगे कितना आएगा 0.1 मीटर आएगा। अब एरिया ऑफ रिवर वैली क्या होगा? एरिया ऑफ रिवर वैली कितना होगा? 972 किलोमीटर, ये होगा 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, एरिया इनटू रेनफॉल कितना हुआ है तो 7280.1, तो यहां से आ गया आपका 728। सबको कन्वर्ट कर लो किसमें? मीटर क्यूब में, तो यहां से ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन रिवर वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वन रिवर वाटर तो कितना हो जाएगा? 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 107,200 इंटू 75 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2,412,000 5 टाइम्स मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड वाले कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ थ्री रिवर्स वाटर इट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा ये? 843600000 इतना हो जाएगा। ये इतना है, और हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना है? 7280,000,000 कितने जीरो हुए? 3 दोनों क्या आ रहे हैं? दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेट रेनफॉल होगा वो दोनों के क्या होगा? बराबर होगा।